नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भले ही शाहिद आफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हों, लेकिन हमारे देश से उन्हें हमेशा मोहब्बत ही मिली है। ये बात पूर्व पाकिस्तानी कप्तान भी बखूबी जानते हैं, तभी तो वो अपने इंडियन फैंस को खुश करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ऐसा करते करते वो गलती भी कर बैठते हैं, और गलती भी ऐसी जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है कतर में जारी लीजेंड्स लीग मास्टर्स क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान। जब एक इंडियन फैन ने उन्हें तिरंगा थमाया तो आफरीदी ने झंडे पर अपना ऑटोग्राफ दिया, और फिर यहीं पर वो बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान कर दिया। दरअसल क्रिकेट पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें शाहिद अफरीदी एक सुरक्षाकर्मी भारतीय फैन की बात मानते हुए तिरंगे पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सपोर्ट के लिए राष्ट्रीय झंडे को अपनी जांघ पर रखा था। यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से शाहिद अफरीदी ने एक नहीं बल्कि कई तरह से तिरंगे का अपमान किया। दरअसल 2002 इंडियन फ्लैग कोड में कई चीज़ें काफ़ी स्पष्ट तरीके से लिखी गई हैं, जो ये बताती हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो झंडे पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। ऐसे में आफरीदी ने भारतीय तिरंगे पर ऑटोग्राफ देकर एक बड़ा नियम तोड़ा है। साथ ही साथ झंडे को पैरों से लगाना भी अपमान के दायरे में आता है। नियमों के मुताबिक झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जा सकते। तिरंगे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर भी अपमान करने पर 3 साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब शाहिद अफरीदी ने किसी इंडियन फैन की डिमांड पर तिरंगे पर ऑटोग्राफ दिया। इससे पहले भी स्विट्जरलैंड में हुए आइस क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। और शाहिद आफरीदी के इससे पहले के बयानों को आप अगर उठाकर देखेंगे तो उससे उनकी एक एवरेज पाकिस्तानी वाली भारत विरोधी मानसिकता का भी पता चलता है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान न जाने के बीसीसीआई के फैसले तक शाहिद आफरीदी ने अलग अलग मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगला है। वो कहते हैं कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इसलिए शाहिद आफरीदी चाहे जो भी कर लें, भारतीयों को उनकी नियत पे ना तो कल भरोसा था और ना आज भरोसा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शाहिद आफरीदी की इस करतूत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।